हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। जी हां, जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूं। दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास है दोस्तों यहां से डीजल। ये तो दोस्तों अभी डीजल के जैसा नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं दिख रहा है। दोस्तों आज क्या करने वाले हैं, आज इस डीजल को जो है बॉयल करेंगे दोस्तों वाटर हीटर की मदद से। जी हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आज से दोस्तों लगभग 2 महीने पहले हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने दोस्तों वाटर हीटर से पेट्रोल को बॉयल किया था। तो दोस्तों उस टाइम जब मैं बॉयल कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार उसमें आग लग जाएगा या क्या होगा। तो दोस्तों जो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेम दोस्तों आज वही करने वाले हैं। आज जो है पेट्रोल की जगह पर सिर्फ हम डीजल को जो है वाटर हीटर की मदद से बॉयल करेंगे और फिर देखते दोस्तों कि जो है क्या होता है, इसमें आग लगता है, जो भी होगा दोस्तों बहुत ही कमाल का रिएक्शन होने वाला है। आप इस कमाल के आइडिया के लिए नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ, ये जो वीडियो है दोस्तों हमारे चैनल का लगभग से 95 वीडियो है दोस्तों। तो हम जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस जो है हमारे चैनल पर, और इतना ज़्यादा जो है आप सभी का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट किया कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस किया कीजिए। इससे क्या होगा, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के एक्सपेरिमेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज बहुत ज्यादा बात कर ली आप सभी से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलिए इस जो है बोतल से डीजल को जो है इस बॉयल के अंदर जो है डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैं जो है वाटर हीटर को जो है डालूंगा और फिर प्लग इन करेंगे दोस्तों, इसे जो है बॉयल करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों। जो भी होगा आपके सामने होगा, जो भी दोस्तों देखने को मिलेगा जो है वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से डाल के इसके अंदर वाटर हीटर को डालते हैं। तो दोस्तों अब चलिए जो है इसको प्लग इन करते हैं। एंड 3, 2, 1। और दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही मैंने जो इसको प्लग इन किया तो यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बबल्स भी दिख रहे होंगे दोस्तों। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको ऊपर में दोस्तों इसका जो है भाप भी निकलता हुआ नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा दोस्तों, और यहाँ पे जो है बबल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। मैं दोस्तों आपको वीडियो के आगे जो है जूम भी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल में भी मैंने जब इसको डाला था दोस्तों तो इसी तरह से रिएक्शन हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा बबल्स नजर आ रहे थे और इसमें थोड़ा सा कम बबल्स नजर आ रहे दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसका जो आवाज़ भी रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था बट आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं जो है उसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा इसमें बॉयल होता हुआ डीजल। तो ये मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा था दोस्तों, और मुझे डर भी लग रहा था कि यार इसमें आग ना लग जाए। तो आप देख सकते मैंने इसको जूम भी कर दिया तो आपको इसका जो कलर है उसमें भी आपको कुछ कुछ चेंजेस नजर आ रहे होंगे दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे ज्यादा फेना जैसा झाग जैसा दिख रहा होगा और ये जो बहुत ही तेजी के साथ बॉयल हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा देर और वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब ये जो है बहुत तेजी के साथ बॉयल हो जाता है। तो भाई आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो है तेजी के साथ बॉयलिंग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और मुझे सुनाई दे रहा था दोस्तों इस टाइम पे जो ये कांच का बॉयल है ये लग रहा था कभी भी टूट सकता है। तो चलिए इसको जल्दी से प्लग इन से हटाते हैं दोस्तों, यहाँ से स्विच बंद कर देते हैं और जो है इसको जो है ठंडा होने देते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भाप भी इसमें उठ रहा था और बहुत ज़्यादा झाग भी निकल रहा था। तो भाई आपने देखा यार, हमने जो इस डीजल को जो है वाटर हीटर की मदद से बॉयल किया दोस्तों, और जो थोड़ा थोड़ा आपको भाप भी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा दोस्तों, और यहाँ पे जो है बॉयल भी जो है थोड़ा थोड़ा बबल्स भी नज़र आ रहा था। जैसे आपने पेट्रोल वाला अगर देख लिया होगा वीडियो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बबल्स निकल रहे थे लेकिन इसमें उतना नहीं निकल रहा था। दोस्तों यही होता है जब हम डीजल को वाटर हीटर की मदद से बॉयल करते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इसका जो कलर, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कलर ऐसा क्यों दिख रहा था आपको इंट्रो में। जी हाँ दोस्तों, जो इंट्रो भी मैंने बाद में ही शूट किया था, इसको मैंने बॉयल किया तो इसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया, इसलिए इसका जो कलर है कुछ इस प्रकार से हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो धमाकेदार वीडियो देखने के बाद मजा आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, बहुत आप मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं उसको भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।